हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिन क्रिएशंस। आज हम आपके लिए लाए किट्स, बैटरी ऑपरेटेड बिग बाइक। 008 मॉडल है, आरआर का बहुत बड़ा मॉडल है ये। डबल मोटर के साथ है, बड़ी बैटरी के साथ है और बहुत अच्छी रियल टायर, जिसके जो बोलते हैं ना रबड़ वाले टायर है वो वाले। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग और असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने ये गाड़ी अनबॉक्सिंग कर ली है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। अनबॉक्सिंग करते वक्त भी हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, आप देख सकते हो इसके पार्ट्स, इसकी साइज और इसका मेन फीचर जो आपको अभी दिख रहा होगा, मैं इसको बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो अब हम इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। असेंबली स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले इसका जो मेन बॉडी है, ये बॉडी लेना है और इसके सबसे पहले अपन को फुट रेस्ट लगाना है। तो आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बड़ा सा और बहुत ही अट्रैक्टिव मास्क। ये दोनों इसके फुट रेस्ट, ये राइट वाला फुट रेस्ट है जिसमें ये वायर है, जो बॉडी से भी एक वायर निकल रहा होगा वो लगेगा। लेफ्ट वाला फुट रेस्ट, ये इसका हैंडल विद एक्सेलेटर, दोनों साइड में ये है और यहाँ पर एक्सेलेटर है। ये इसके ट्रेल व्हील्स बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी व्हील, सपोर्ट व्हील, ये यहाँ पे नीचे लगेंगे। अगर आपका बेबी छोटा है तो आप ये यूज़ कीजिए, आपको लगता है बड़ा है नहीं है तो साइड स्टैंड इसमें ऑलरेडी है। ये इसके मास्क के साइड ग्लास आप देख सकते हो, बहुत अच्छे बड़े हैवी साइड ग्लासेस है। ये पीछे की इसकी नेम प्लेट और ये इंडिकेटर है, ये चलते नहीं है, ये नेम प्लेट है। आप चाहें तो इस पर कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, हम आपको कस्टमाइज़ करके भेज देंगे। और जो एक ये है इसका चार्जर, आप चार्जर देख सकते हो, बहुत यूनिक तरीके से इसके चार्जर आते हैं जिस पे कार होता है ये, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपकी बाइक या कार का चार्जर यही है। और कुछ स्क्रूज़ जो इसेंशियल स्क्रूज़ है इसके, वो आएंगे और एक स्क्रू ड्राइवर आता है साथ में, ये है इसका स्क्रू ड्राइवर। तो आइए स्टार्ट करते हैं असेंबली। अब हम इसका फुटरेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हो ये फुटरेस्ट है, ये यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पे दो स्क्रूज है, आप चाहो तो ये स्क्रूज पहले खोल सकते हो, ये जो इसका सपोर्ट लगेगा उस वक्त ये लगाने पड़ेंगे अपन को, और चाहिए तो बाद में भी खोल सकते हो। तो हम एक बार इसको पहले खोल लेते हैं, ईजिली खुल जाएगा ये आराम से। देखिए साथ में ना स्क्रू ड्राइवर तो हम देते ही हैं आपको, और हमारे पास ड्रिल है ताकि टाइम बचे, हम ड्रिल से खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम ये फुटरेस्ट लगाएंगे यहाँ पे आराम से। आपको देखना है ये जो लॉक है, देखिए नीचे दो लॉक है, ऊपर तीन लॉक है। तो ये लॉक को ऐसे अंदर दबाना है धीरे धीरे, और आपको हल्का सा, देखिए लॉक लग चुका है, सारे लॉक लग गए, पूरा एक लाइन में आ चुका है। सेम अब इसी टाइप से हम ये दूसरा वाला लगाएंगे, मैं वो दिखा रहा हूँ। अब हम इसका राइट साइड वाला फुटरेस्ट लगाएंगे। उसके लिए आप देखोगे एक ये वायर है, ये मेल सॉकेट और ये फीमेल सॉकेट अंदर से बाहर आ रहा है, यहाँ पे टेपिंग लगी होती है। आपको इसको देखो, दोनों पिन ध्यान से देखनी है कि सीधी है कि नहीं है, फिर इसके अंदर आपको लगाना है। ये जो लॉक वाला पोर्शन है और ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये हमको ऐसे दोनों एक साइड रख के इसको ऐसे करेंगे, लॉक लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो वायर है ये यहाँ से ऐसे रूट करना है ये, और ये इसके अंदर जाना चाहिए वायर पूरा, ये यहीं पर है, कहीं बीच में आएगा तो क्या है कि वायर कट जाएगा। तो आपको ये रूट ऐसे करके सेम जैसा अपन ने उधर लगाया था वैसे ही लॉक लगा देना है, ये लॉक लग चुका है प्रॉपर। अब हम इसके जो सपोर्ट व्हील है वो असेंबल करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये जब मैं लगा रहा हूँ ना, क्योंकि ये बाइक हमारे पास भी पहली बार आई है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, पर ये लग नहीं रहा है सही से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इसको हम काट देंगे। इनके मैन्युफैक्चरर से मैंने पूछा है, वो हमको सॉल्यूशन बताएंगे अगर कुछ होगा तो, कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी हमको किसी शार्प चीज़ से बहुत ध्यान से इसको कट करना पड़ेगा। अभी इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, दो स्क्रूज तो इसमें यहाँ लगेंगे ऐसे, और एक यहाँ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपन ने डाला इसको ऐसे, ये है। अब ये जो दो ब्लैक स्क्रूज है जो ये यहाँ पे ऊपर लगेंगे, यहाँ पे होल है, होल अलाइन हो जाएगा,
तो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगा। अब ये दोनों स्क्रूज यहाँ पे नीचे लग जाएंगे। इसका हैंडल लगाने में देखिए थोड़ी परेशानी आ रही थी, यहाँ पे हल्का सा एक पार्ट निकला हुआ था, वो हमें कट करना पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये वाला जो है ना, आप इसमें जब इंस्टॉल करेंगे, ये इसका जो साइड का पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट, इसके साइड वाले गैप में जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको ना ये जो रॉड है ये थोड़ी ऊपर करके, ये आपको गैप अब दिख रहा होगा पूरा अच्छे से, तो ये इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट प्रेस करेंगे तो ये अंदर लग जाएगा आराम से। अब हम इसका एक्सीलेटर वायर लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, आपको पिंस दिखनी है तीनों सही लगी है, फिर इसको धीरे धीरे अंदर डाल देना यहाँ पे ऐसे, ये अंदर चला गया। अब जो इसका स्टीयरिंग हमने अभी ऊपर से अंदर डाला है, यहाँ पे एक होल अलाइन हो चुका है, तो इसका जो नट बोल्ट है एक साइड से हम लोग बोल्ट इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से यहाँ पे नट को कसेंगे ऐसे। ये देखिए आप, यहाँ पे ये बाहर आ गया, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ये उसके अंदर जाएगा और तब ये टाइट हो जाएगा। अब ये प्रॉपर टाइट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब हम इसका मास्क इंस्टॉल करेंगे। अब हम इसका मास्क इंस्टॉल करेंगे। मास्क इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले, आप ये देख सकते हैं इसका मास्क है। मास्क के लिए देखिए एक और एक दो, ये चार स्क्रूज है जो यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं वो खोलने हैं, प्लस हमको जो इसका साइड ग्लास है, एकदम मैं आपको साइड ग्लास दिखा देता हूँ, उसको थोड़ा उधर ले लो। ये देख रहे हो आप साइड ग्लास जो है इसके, ये यहाँ पे लगेंगे ऐसे, और अंदर से आपको दो स्क्रूज लगाने। मास्क लगाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले ही लगा देंगे। ये दो पतले पतले स्क्रूज यहाँ पे ऑलरेडी लगे होते हैं, आपको ये लगाना है ऐसे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लास्टिक है, ये देखिए ये अच्छे से टाइट लग गए। सेम इसी टाइप से आपको इधर वाला भी लगाना है। ये देखिए हम ये स्क्रूज निकालेंगे यहाँ से, एक ये वाला, और सेम दोनों उस साइड से निकालेंगे। ये स्क्रूज निकालने के बाद हम जो ये मास्क है ना, ये फिट करेंगे। मास्क आप देख सकते हो, ये जो स्लॉट है ये इसके अंदर जाएगा और उसके बाद दोनों स्क्रूज यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये स्लॉट आपको अंदर डालना है। अब ये जो वायर है इसको कनेक्ट करना है इस वायर पे, पकड़ना मास्क, बहुत ध्यान से वायर अंदर नहीं गिर जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। देखिए मेल फीमेल सॉकेट है, बहुत अच्छे से लॉक लग जाएगा। इसको यहाँ पे रेस्ट करना है ऐसे, और आपको धीरे धीरे इसको बस रेस्ट करना है, लॉक ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे ये आ गया है, इसको यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे अपन, और ये यहाँ पे लग जाएगा। देखिए एक स्क्रू यहाँ लग गया और दूसरा स्क्रू, ये यहाँ पे लग गया। अब सेम इसी टाइप से उधर दोनों स्क्रूज लगेंगे। अब हम इसका ये वाला पार्ट लगाएंगे, ये आप फिन्स बोल सकते हो या विंग्स बोल सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है ये मास्क के। यहाँ पे इसके जो लॉक है ये लगाने हैं आपको, एक साइड से आपको ऐसे दबाना, ये लग गया, और इधर भी ऐसे टाइट प्रेस करना पड़ेगा, आपको लॉक की आवाज़ आएगी। ये देखिए ये लग गया, और सेम इसी टाइप से अपन को उधर भी लगाना है। अब हम इसका जो रियर नंबर प्लेट है वो लगाएंगे। उसके लिए यहाँ दोनों साइड एक एक स्क्रू लगा हुआ है, वो स्क्रू खोल के हमको इसको बस स्लाइटली पुश करना है अंदर, अच्छे से पुश हो जाएगा। उसके बाद वापस से दोनों स्क्रूज आराम से टाइट करना है अपन को। अब हम इसकी बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के लिए ये देखिए सीट खोलनी है, सीट खोल के इसके अंदर एक बैटरी आ रही है, वो बैटरी 12 वोल्ट की है। उसमें जो रेड टर्मिनल है उस पर ये कैप लगा हुआ है वो निकालेंगे, ब्लैक टर्मिनल सॉरी, टेप लगा हुआ है जो ब्लैक टर्मिनल है, ये हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे ऐसा। ये ब्लैक से ब्लैक वायर अटैच हो गया है, बैटरी लग गई है। उसके बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे
आप देखोगे गाड़ी ऑन हो चुकी है, सब कुछ सही है। तो अब हम इसको एक बार सीट कवर को लगा देंगे पहले, उसके बाद पूरी गाड़ी चेक करेंगे। ये इसका चार्जर है और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे। ये चार्जिंग पॉइंट में लगाएंगे हम, गाड़ी बंद हो जाती है ऑटोमेटिक और चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये हमने गाड़ी को अब देख सकते हो पूरा बहुत अच्छे से असेंबल कर लिया, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग और आप इसकी साइज देख सकते हो बहुत बड़ी साइज है। अब तक का जो किड्स राइड ऑन बाइक जो आती है बैटरी वाली, उसमें सबसे बड़ी बाइक है ये। RR008 मॉडल है, आप देख सकते हो इसका पूरा लुक। और इसके जो टायर्स है वो रबर टायर है, फॉर्म वाले टायर है, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से। बहुत शानदार बाइक है, इसका फीचर वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।